Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyanti. Today we will continue our previous chapter, that is Indigo. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Indigo chapter जो हमने पहले पढ़ा था, नील की खेती और किस तरह से जो है गांधी जी जब लखनऊ में जो है सेशन करने गए थे, कॉन्फ्रेंस करने गए थे और वहां पे जो है एक जो है किसान जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला, वो जो है अपनी प्रॉब्लम लेके जो है जो क्या थे, एक शेयर क्रॉपर थे और अपनी प्रॉब्लम को लेके कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, गांधी जी के पास गए थे और उस समय जो है गांधी जी ने, और कहाँ को बिलोंग करते थे वो, चंपारण बिहार में जो है एक जगह है चंपारण, जो कि कहाँ पे, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय और नियर किंगडम नेपाल, नेपाल के पास जो है फुटहिल्स ऑफ हिमालय के चंपारण एक जगह है, जिसको जो है पहले गांधी जी को जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी तो उन्हें पता नहीं था चंपारण कहाँ है। फिर जो है जहाँ जहाँ गांधी जी ने जो है उनको उस समय टाइम देने से मना कर दिया था कि उनके पास इस समय नहीं है टाइम, और उन्होंने कहा था कि जब जो है राजकुमार शुक्ला ने जो है उनके साथ साथ जहाँ जहाँ वो मीटिंग में जाते रहे और जहाँ जहाँ कमिटमेंट करा हुआ था उन्होंने वहाँ जाते रहे, तो जब उन्होंने गांधी जी ने उनको देखा कि किस तरह से जो है ये आदमी जो है क्या है, दृढ़ निश्चय है अपने काम को लेके, कि जो इनजस्टिस हो रहा था शेयर क्रॉपर्स के साथ जो है चंपारण में, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी का जो है 15% जो है वो किस कौन ले लेते थे, खाली उनको 15% जो है बटाई के लिए देते थे और सारे जो है अंग्रेजों के पास रहता था, तो इसकी जो इनजस्टिस जो उनके साथ अन्याय जो हो रहा था इसको लड़ने के लिए जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए वो गांधी, जब गांधी जी ने देखा कि ये जो है बहुत दृढ़ निश्चय है जस्टिस दिलाने के लिए, तो उन्होंने जो है उनको टाइम दे दिया था कहाँ पे, कलकत्ता जाने के। फिर कलकत्ता में जब गांधी जी फ्री हुए थे तो फिर वो वहां से उनको लेके पटना गए, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर रहे और वहां से जो कि बाद में हमारे देश के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और फिर वहां से जो है वो चंपारण के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने, और फिर जो है आगे जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो जब हमने जो कल जो पढ़ा था कि किस तरह से जो है गांधी जी जो है कहां से बिहार चंपारण में सबसे पहले कहां पे रुके थे, वो राजेंद्र प्रसाद के घर में रहे थे, और उसके बाद जब वो वहां से उनको लेने के लिए कौन आए थे, कृपलानी जो एक क्या थे, प्रोफेसर थे, कहाँ पे थे वो प्रोफेसर, तो ये मैंने जो है आपको कल बताया था कि पहले वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर में रहे थे और उसके बाद वो जो है वहां से मुजफ्फरपुर के लिए गए थे, जो कि एंड रूट ऑफ द चंपारण कहाँ पे सिचुएटेड था, रास्ते में पड़ता था चंपारण के, तो उन्होंने कहा पहले हम कहाँ चलते हैं, मुजफ्फरपुर में, और वहाँ उन्होंने जो है जो जेबी किपलानी जो थे प्रोफेसर थे टैगोर्स निकेतन में जो है स्कूल में जो है वो क्या थे, एक प्रोफेसर थे, और रात के समय जो है वो मिडनाइट में 15 अप्रैल 1917 में जो है वो वहाँ पे कहाँ पे पहुंचे थे, स्टेशन पे पहुंचे थे, किसको लेने के लिए, गांधी जी को लेने के लिए, और उनके साथ बहुत सारे जो थे उनके साथ स्टूडेंट्स थे, और फिर वहां जो है दो दिन तक जो है वो प्रोफेसर मलकानी जी के यहाँ पे रहे थे। आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहले वो कहाँ गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए थे, वहां से कृपलानी जी ने उनको रिसीव करा था, परंतु स्टे उन्होंने प्रोफेसर मलकानी जी के यहाँ करा था, और उसके बाद जो है फिर जब वो उनके घर गए थे तो वो समय जब डॉक्टर प्रसाद के घर में, तो इस समय जो है आप इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, एट दिस पॉइंट गांधी जी रहे, और जब गांधी जी का जो वहां पे उन्होंने जब बड़े बड़े ऑफिशियल से जो है ऑफिसर्स से जो है बातें कर ली थी और किस तरह से उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया था और गांधी जी को बोला था कि इमीडिएटली कि यहाँ से जो है चले जाओ, परंतु गांधी जी ने क्या करा था, इस बात को रिफ्यूज कर दिया था और उन्होंने जो नोटिस भेजा था उसी के ऊपर लिख दिया था उन्होंने कि मैं नहीं यहाँ से, ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर को क्या करता हूँ, डिसोबे कर देता हूँ। किसने लिखा था ये, गांधी जी ने लिखा था,
इन कॉन्सिक्वेंसेज गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपियर द कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसी में जब उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था तो इसी विषय में जो है उनको क्या भेजा था, एक समन भेजा था कि तुम जो है कहाँ पे एकत्रित हो जाओ। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और जब जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था तो उन्होंने क्या करा था कि गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया था, तो एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और चंपारण जो है चंपारण में जो है बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे, फैक्ट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि जो है अपना पक्ष जो है मजबूत हो जाए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। ये शायद मैंने कल भी पढ़ाया था आपको कि उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया था गांधी जी को, और क्या कहा था कि तुम जो है एक आउटसाइडर हो। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और तिरहत डिवीजन में जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां के जो है कमिश्नर ने जो है गांधी जी को क्या बोला था, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉरथविथ टू लीव तिरहत। तो उन्होंने कहा था कि तुम इमीडिएटली जो है यहाँ से चले जाओ, तिरहत को छोड़ दो। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और फिर वहां से उन्होंने कहाँ चले गए थे, उन्होंने नहीं, गांधी जी डिड नॉट लीव, नहीं छोड़ा, और वो मोतिहारी में चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की क्या थी वो कैपिटल। सेवरल लॉयर्स एक्कंपनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स ने, वकीलों ने जो है उनको उनका साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और बहुत सारे लोगों ने जो है गांधी जी को ग्रीट करा, क्योंकि गांधी जी जो है जितने शेयर क्रॉपर्स थे सबकी जो है लड़ाई के लिए, इनजस्टिस जो हो रहा था उनके साथ उसको लड़ाई के लिए सामने आए थे। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और फिर जो है वो एक जो है घर में गए और वहां पे उन्होंने उसको हेडक्वार्टर बनाया दिया था और वहीं से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ए रिपोर्ट केम इन दैट अ प्रिजेंट हैड बीन माल्ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, और तभी उनको एक रिपोर्ट मिली कि पड़ोस के विलेज में जो है एक के साथ जो है अभद्र, मतलब उसको जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी मॉर्निंग जो है गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो वहां पे जाएंगे उसको देखने के लिए जिसके साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और फिर जो है वो हाथी के ऊपर जो है बैठ के जो है वहां पे सुबह जो है गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटूक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसी समय जो है एक जो है पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो वहां पे आया और उसने कहा ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। इन दिस कैरेज गांधी जी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएट, और उन्होंने जहां पे वो रहते थे वहीं पे उनको छोड़ा और कहा कि तुम्हें इमीडिएटली जो है यहाँ से जाना है। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने वो जो रिसीव करा था लेटर उसमें लिख दिया कि मैं ये नहीं मानता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसी विषय में जब उन्होंने डिसओबे कर दिया, कोई अगर सरकारी काम को जो है मानने से इनकार कर देते हैं तो सरकारी नोटिस आ जाता है। तो सिमिलरली गांधी जी के पास भी जो है एक क्या आया, नोटिस आया टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, और पूरी रात जो है गांधी जी को नींद नहीं आई। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया कि तुम जो है अपने जो है जितने तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं उन सबको जो है लेके तुम कहाँ पहुंचो, जहां पे गांधी जी रुके थे। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने क्या है आश्रम में भी जो है सारी इंस्ट्रक्शंस भेज दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने जो है वायर्ड माने सेंट बाय टेलीग्राम, और सबको जो है इन्फॉर्म कर दिया
मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी. अब मोतिहारी में जहाँ पे उन्होंने स्टे करा था तिरहत से, जब वो वहाँ मोतिहारी आ गए थे, तो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद प्रिजन्स. और पूरा जो टाउन था किससे भर गया था, मोतिहारी जगह जो है सारे किसान जो थे, जितने शेयर क्रॉपर्स थे, सारे जो है मोतिहारी में जो है इकट्ठे हो गए थे. They did not know गांधी जी is recorded in साउथ अफ्रीका. और उन्हें जो है गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं पता था जो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का था. They had merely heard, merely मैंने only to govern a, जो है एक समूह को जो है govern करते हैं, उनको बोलते हैं only to govern a column, एक समूह को जो है govern करना, उसको बोलते हैं merely heard that a महात्मा. और उन्हें खाली ये पता था कि एक समूह को जो है govern करने के लिए एक जो है महात्मा आए हैं, who wanted to help them was in trouble with the authorities. और उनको खाली इतना पता था कि एक महात्मा जो है हमको जो है हेल्प करने के लिए आए हैं, और उनको जो है अथॉरिटीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रबल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं. देयर स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन. लिबरेशन मैंने फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश के डर से फ्रीडम दिलाने के लिए जो है इतने, मतलब जो है महात्मा गांधी जो है वहाँ पे जो है पहुंचे हैं. उन्हें बस खाली क्या पता था गांधी जी के बारे में, कि खाली एक जो है महात्मा जी जो है वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए जो है पहुंचे हुए हैं. द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन. अब जितने ऑफिशियल्स थे तो उन्हें क्या लग रहा था कि वो जो है क्या है, पावरलेस है विदाउट गांधी. अगर गांधी जी का कॉपरेशन, अगर उनका साथ नहीं मिलेगा, तो एक तरह से वो क्या है, पावरलेस है. उनकी जितनी शक्ति है, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि वो जो है डर गए थे कि किस तरह से इनको फेस किया जाए. He had with regulate the crowd. अब उन्होंने जो है जो इतनी भीड़ थी, he was polite and friendly. और कैसे थे वो जो है, बहुत ज्यादा क्या थे, polite थे और friendly. और he was giving them concrete proof that they might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. और जो है एक जो है इंडियंस ने जो है, भारतीय ने जो है उनको चैलेंज करा हुआ था. एक एक लड़ाई लड़े थे और इतने लोग जो है हर कोने से जो है वहां पे, कहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, मोतिहारी पे इकट्ठे हो गए थे. और उनको देख के जो है गवर्नमेंट वॉज बेफलेट. बेफलेट मीन्स बेबस हो गए थे एक तरह से. वो जो है बहुत ज्यादा इतने लोगों को देख के, और गांधी जी जिस तरह से उनको डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उसको देख के जो है एक तरह से वो जो है बेबस से महसूस कर रहे थे अपने. प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज. प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि जो जैसे जो हमारा अगर कोई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा हो कानून से, उसको चलाने वाला उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर. रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. और उसने कहा इसको जो है पोस्टपोन कर दो. Apparently the authorities wished to consult their superiors. और जो authorities थे उन्होंने अपनी इच्छा करी कि हम जो है अपने senior से जो है उनसे क्या करेंगे, इस विषय में बातें करेंगे, consult करेंगे. गांधी protested against the delay. अब गांधी जी जो थे, जब इतने लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे तो जो डिले हो रहा था, देरी हो रही थी इस काम के लिए, तो उन्होंने क्या करा, इसके लिए प्रोटेस्ट करा कि इतनी देरी क्यों हो रही है. ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. और उन्होंने जो है अपने जो है दोषी जो है अपने आप को फील कर रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज कि मैं जो हूँ अपने कर्तव्यों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के द्वंद में जो है फंसा हुआ हूँ मैं. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर कि मैं अपने आप को ऐसे एग्जाम्पल नहीं देना दे सकता हूँ कि मैंने जो है कोई कानून को ब्रेक करा है. टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. और मैं जो हूँ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा. नेशनल सर्विस मीन्स नेशनल राष्ट्रीय सेवा फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ. और क्योंकि
क्योंकि एक तो लॉ ब्रेकर ब्रेक क्या करा था उन्होंने कि कानून मानने से जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था यहाँ से जाने के लिए, और दूसरा क्या था कि वो जिस काम के लिए आए थे यहाँ पे लोगों को जो है मानवीयता के बिहा पे और नेशनल सर्विस राष्ट्रीय सेवा टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो उन्होंने कहा इसके लिए जो है मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रेसेस, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे के ब्रेक के बाद जो है क्या करूंगा 2 घंटे का ब्रेक लूंगा, एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल, और गांधी जी से कहा कि तुम जो है अपनी बेल की जमानत की जो है 120 मिनट के बीच में जो है आप जो है अपनी क्या करो जमानत की तैयारी करो। किसने बोला ये? मजिस्ट्रेट ने बोला कि 2 घंटे के इंटरवल के बाद जो है रेसेस के बाद जो है मैं जो है 120 मिनट के अंदर अंदर जो है आप क्या करो बेल की तैयारी करो अपने। गांधी जी रिफ्यूज्ड। अब गांधी जी जो है अपने उसमें फॉलो करते थे, तो उन्होंने जो कहा कि क्या बोला उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और फिर बाद में जो है हार मानकर उन्होंने क्या करा जितने उनके अथॉरिटीज थे जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने जो है बिना बेल के जो है जमानत दे दी। किसको दे दी? गांधी जी को जमानत दे दी। तो यहाँ पे के तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से गांधी जी ने जो है एक जो अपने बिहा पे जो है जितने शेयर क्रॉपर्स थे उन सबको इकट्ठा करके जो है ये लड़ाई लड़ी थी, शेयर क्रॉपर के बिहा पे उन्होंने लड़ा था, और किस तरह से जो है सरकार को जो है उनके आगे झुकना पड़ा था, और उन्होंने जो है बिना बेल के जो है उनको क्या करा था रिलीज कर दिया था गांधी जी को। तो यहाँ पे गांधी जी की जीत हुई थी। व्हेन द कोर्ट रिकन्विंस, रिकन्विंस बोलते हैं अगेन सेट टुगेदर, जब दोबारा इकट्ठी हुई कोर्ट, रिकन्विंस कन्विंस मीन्स दोबारा इकट्ठी हुई कोर्ट, द जज सेट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, ही वुड नॉट कि मैं बहुत दिन तक जो है फैसला नहीं सुनाऊंगा। कि जज ने जब दोबारा कोर्ट सेट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ये दोबारा नहीं सुन बहुत दिन तक नहीं सुनाऊंगा जजमेंट। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, तो गांधी जी ने तो उन्होंने क्या बोला था उनको कि तब तक तो तुम जो है मुक्त हो। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी कि तुम यहाँ पे जो है रह सकते हो। अब राजेंद्र प्रसाद, अब इतने बड़े बड़े जो वकील थे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज मोहन ब्रिज किशोर बाबू थे, अब जब जजमेंट हो गया कि बहुत टाइम लगेगा इसको, तो जो बड़े बड़े वकील आए हुए थे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू थे, मौलाना मजहरुल हक थे, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और बहुत बड़े वकील जो आए हुए थे बड़े बड़े, एंड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और बिहार से जो मोतिहारी पहुंचे हुए थे, देन कन्फर्ड विद गांधी, और उन्होंने जो है परामर्श करा गांधी जी के व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे अगर आपको जो है जेल हो जाएगी। व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, द सीनियर लॉयर जो है उसने रिप्लाई करा दे हैड कम टू एडवाइस कि हम जो है एडवाइस करते हैं परामर्श करते हैं एंड हेल्प हिम इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, अगर इनको जेल हो जाएगी तो वहां पे कोई भी जो है एडवाइस देने के लिए नहीं रहेगा, दे वुड गो होम। What about the injustice? तो यहाँ पे जो है इतना ही अभी आज हम पढ़ते हैं would go home। तो उन्होंने बड़े बड़े वकीलों ने क्या करा कि फिर वहां पे परामर्श किया वे क्या करेंगे यदि उन्हें किसको गांधी जी को जेल सुना देंगे, तो गांधी जी ने पूछा क्या करेंगे, सबसे बड़े वकील ने उत्तर दिया वे उन्हें क्या करेंगे परामर्श देंगे, कब देंगे उनकी मदद करने के लिए आए थे, और यदि उन्हें ही जेल भेज दिया जाएगा तो वहां परामर्श देने वाला कोई नहीं रहेगा और वे अपने अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एंड आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड करते हैं, और अब इससे डिस्कस क्वेश्चन करते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट द प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लिस्ट द प्लेसेस कि वो कौन कौन सी प्लेसेस है, पहले भी मैंने बताया था लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी That Gandhi ji visited between 1947 first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब शुक्ला की जो है पहली जो है मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात चंपारण पहुंचने के बीच में के समय, तो गांधी जी ने किन किन स्थानों पर गए थे. तो सबसे पहले मीटिंग कहाँ हुई थी, अभी मैंने बताया था आपको, लखनऊ में हुई थी जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था कांग्रेस का. तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ. तो सबसे पहले मीटिंग कहाँ हुई थी, लखनऊ में भी थी. देन द टू मेट एट कलकत्ता. उसके बाद जो है कलकत्ता में, सॉरी, उसके बाद जो है उन्होंने टाइम दिया था, कलकत्ता में टाइम दिया था गांधी जी ने, तो वहां पे गए थे. फिर फ्रॉम देयर द टू वेंट बाय ट्रेन टू पटना. उसके बाद कहाँ गए थे, वो पटना गए थे. और शुक्ला टुक गांधी जी टू द हाउस, और फिर वहां पे किसके घर रुके थे, राजेंद्र प्रसाद के घर में रुके थे. बट द लेटर वॉज, बट राजेंद्र प्रसाद क्या थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ द टाउन थे. नाउ गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. फिर उन्होंने वहां से डिसाइड करा था कहाँ जाने का, मुजफ्फरपुर में जाने का डिसाइड किया था. देयर ही स्टेट एट प्रोफेसर मलकानी. अभी मैंने बताया था आपको मलकानी जी के घर में उन्होंने स्टे करा था, परंतु रिसीव करने कौन गए थे, कृपलानी जी गए थे मलकानीज हाउस. लास्टली ही वेंट टू चंपारण. और उसके बाद जो है वो कहाँ गए थे, चंपारण गए थे. तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि फर्स्ट मीटिंग लखनऊ में हुई थी, वहां से फिर वो पटना गए थे, और पटना के बाद जो फिर वो कलकत्ता गए थे, कलकत्ता के बाद फिर वो पटना गए थे, और पटना में जब राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले थे तो वो मुजफ्फरपुर गए थे, और लास्टली वो कहाँ गए थे, चंपारण गए थे. तो इस तरह से आपको सारी लिस्ट लिखनी है कि कहाँ कहाँ गए थे. तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क. ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है. तो अगर किसी का छूट भी जाता है चैप्टर, तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं. तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर जितना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय.